नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। प्रदेश की सियासत में दिनों सियासी उबाल आ रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर भाजपा की नाव में सवार हो रहे हैं। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लेकर भी चर्चा तेज हो गई थी, जिस पर खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अंकुश लगा दिया है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ उमंग सिंघार के भाजपा में जाने की अटकलें तेज थी, लेकिन क्या कुछ उमंग सिंघार की ओर से कहा गया है? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान है वो संपन्न हो चुका है और तीसरे और चौथे चरण के लिए मतदान के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियां पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ाकर अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को सक्रिय करती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस भी लगातार मतदाताओं के बीच में पहुंचकर आशीर्वाद लेती हुई दिखाई दे रही है। उसी कड़ी में हमने पिछले दिनों इंदौर में देखा, जब कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के अंतिम दिन अपना नामांकन वापस ले लिया और उसके बाद में पूरे दिन सियासी ड्रामा चला। उसके अगले ही दिन कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत जो है वो कांग्रेस का हाथ छोड़ देते और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो जाती है कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और कद्दावर नेता उमंग सिंघार भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले और अंदर खाने ये चर्चाएं तेजी के साथ फैलती हुई नजर आती है। उमंग सिंघार तक भी ये जब खबरें पहुंचती है तो वो अपने मतदाताओं के बीच पहुंचकर इन खबरों का खंडन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज होती है और आदिवासी के इतने बड़े नेता का भारतीय जनता पार्टी में आना कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ा करता हुआ नजर आता है। लेकिन उसी बीच इंदौर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इन तमाम जो अफवाहें थी इनका खंडन कर दिया और अपनी बेबाक बात रखते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो इन अफवाहों का पूरी तरीके से खंडन करते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफर जो लगातार उनके पास आ रहे हैं उनका सामना रोज करते हैं और वो सिंधिया जैसे गद्दार नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जिस तरीके से इन अफवाहों का खंडन किया है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार सियासी गलियारों में चर्चा तेज थी, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सियासी पारे में एक बार फिर उछाल देखने को मिली थी और लगातार ये चर्चाएं तेज हो रही थी कि कहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी कांग्रेस का हाथ का जो साथ है वो नहीं छोड़ दे और चुनावी मझधार में अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने इन तमाम अफवाहों का खंडन किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने राहत की सांस ली है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा और जिस तरीके से उन्होंने ये पूरी बात कही है कि मैं उमंग सिंघार हूँ, सिंधिया नहीं हूँ, पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा आज भी एक दौरा है, मैं ग्वालियर के दौरे पर रहूंगा। इस दौरान उन्होंने जीतू पटवारी की बढ़ती दूरियों को लेकर भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि हम अलग अलग दौरे कर रहे हैं और पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस एक है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उमंग सिंघार ने इन तमाम अफवाहों का खंडन कर दिया और जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। जी संदीप, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ साथ जीतू पटवारी के बीजेपी में जाने की भी अटकलें जोर पकड़ रही है, क्या कुछ जानकारी है इसकी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव के बीच मझधार में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो है वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में शामिल हो रहे हैं और उसी कड़ी में जिस तरीके से पिछले दिनों विजयपुर विधायक रामनिवास रावत जो है वो पार्टी को अलविदा कहते हैं, अक्षय कांति बम भारतीय जनता पार्टी में वापसी करते हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की जिस तरीके से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज होती है, उसके बाद में कहीं ना कहीं एक मंच से मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जो है वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब पीसीसी
जीतू पटवारी का जिक्र करते हुए स्पष्ट रूप से कहते हुए दिखाई देते कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और 7 मई जब मतदान होगा तो उसके बाद में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी भारतीय जनता पार्टी शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जीतू पटवारी को खुला ऑफर दिया और उसके बाद में कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में भी ये चर्चा तेज होने लगी है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से उमंग सिंगार ने इन तमाम अफवाहों का खंडन किया है, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी इन तमाम अफवाहों का खंडन कर देंगे, और जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं इन के पीछे सियासी रहस्य हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में मनोबल गिराना चाहती है, और शायद यही कारण है कि गोविंद सिंह राजपूत की ओर से यह बयान दिया गया है। इन तमाम जो बयानबाजी का जो दौर है वो इन दिनों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, तो हो सकता है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान ये कहा है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ वजह है और क्या सच में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में शामिल होंगे, इन तमाम जो चीजें हैं इनमें कोई भी वास्तविकता नजर नहीं आती है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं तो उसके संदर्भ में शायद उन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के बीच मझधार में झटके दे रही है, और शायद यही कारण है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नाम को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कयास लगा रही है और उनकी चर्चाएं तेजी के साथ की जा रही है। जी, क्या लगता है संदीप कि क्या अभी भी कई नेता है जो हाथ का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम दिसंबर में आते और इन 5 महीनों में जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, सीएम मोहन यादव तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और खुद भारतीय जनता पार्टी इसका दावा करती हुई नजर आती है। अब लोकसभा चुनाव के बीच मझधार में भी लगातार कांग्रेस को आए दिन बड़े झटके हैं, वो कहीं ना कहीं लग रहा है जब कांग्रेस के विधायक खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमने जब पिछले दिनों देखा जब कांग्रेस प्रत्याशी खुद अपना पाला बदल लेते हैं और उसके बाद में ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। अब आने वाले दिनों में 2 चरणों में मतदान होंगे, मालवा अंचल में चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद में निमाड़ आदिवासीय अंचल में ये चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के चेहरे पर भी ये चर्चा इसलिए भी शायद तेज थी क्योंकि उमंग सिंगार आदिवासी के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं और वो लगातार आदिवासियों की आवाज जो है वो उठाते हुए नजर आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की नजर जो है वो हमेशा से ही आदिवासी वोट बैंक पर रही है। और विधानसभा चुनाव की बात कर ले पिछले हम या फिर लोकसभा चुनाव की बात कर ले, कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के कब्जे से दूर रहा है, और शायद यही कारण है कि 2024 के इस महासमर में भारतीय जनता पार्टी तमाम आदिवासियों को साधने के लिए उनके सबसे बड़े नेता को अपने पाले में लाना चाहती थी, और शायद यही कारण है कि इनकी चर्चाएं तेज थी। लेकिन अगर बात की जाए अन्य नेताओं की, तो ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मालवा से एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, और जिस तरीके से पिछले दिनों हमने इंदौर में पूरा अक्षय कांड देखा और उसके बाद में आने वाले दिनों में इधर चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकते हैं, और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इन दिनों मालवा और आदिवासी अंचल में अपना डेरा डाला हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चर्चा है और सुबुगाहट तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। अब देखना होगा कि जब लोकसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आती जाती है, वैसे वैसे क्या कांग्रेस का कुनबा खाली होता जाता है और भारतीय जनता पार्टी के भगवे रंग में कांग्रेस के दिग्गज नेता रंगते हुए आने वाले दिनों में रंग सकते हैं या फिर नहीं। जी, बहरहाल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ दल बदल का सिलसिला भी लगातार ही जारी है। लोग कई ऐसे सैकड़ों नेता हैं जिन्होंने हाथ का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसी बीच उमंग सिंगार की बीजेपी में जाने की अटकलों पर खुद उमंग सिंगार ने ही ब्रेक लगा दिया है। और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।